Hi friends, let's discuss DSSSP PGT English. And in DSSSP PGT English, we are discussing previous year question paper 2021, जिसके questions हम अपने वीडियो में discuss करेंगे. Part 6 है वीडियो का. Important questions के explanation भी होंगे, points होंगे, facts होंगे, जो कि इस वीडियो में हम discuss करेंगे friends. तो बिना delay किए हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं. वीडियो को start करने से पहले Unacademy, India's largest learning platform की तरफ से NTA UGC NET scholarship test organize किया जा रहा है सभी NTA UGC NET aspirants के लिए. 13th of March is the date of exam for the scholarship test. 4 PM onwards आपके ये test होंगे, scholarship test होंगे. और paper कौन सा होगा? First paper, ठीक है. Paper 1 के लिए आपका ये scholarship test होना है 13th March 4 PM onwards on Unacademy India's largest learning platform. तो अपनी learning को, अपनी NTA UGC NET preparation को kick start दीजिए. आप क्यों ये test join करो, क्यों ये test दो, scholarship test, उसके लिए सबसे important है आपको आपकी preparation का पता चलेगा. इसके साथ ही साथ जो questions है और Unacademy का scholarship test ही क्यों important है, ये मैं बता दूं आपको कि that the questions included in the that scholarship test, they are curated by the top educators of Unacademy. जहाँ पे आपको ये लाइव आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और आपका डिटेल एग्जाम का एनालिसिस होगा. इसके साथ ही साथ आप इसमें प्राइजेस विन कर सकते हो, स्कॉलरशिप विन कर सकते हो, और आपको ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो लाइव अटेम्प्ट करना है. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटी है अपनी NTA UGC NET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्राइजेस और स्कॉलरशिप का मेंशन करा गया है. जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद आप टॉप रैंकर्स होते हो, टॉप रैंकर्स रैंक होल्ड करते हो, तो आपके लिए क्या एक्साइटिंग प्राइजेस हैं और साथ ही साथ आपको क्या स्कॉलरशिप अवेल होगी Unacademy की तरफ से, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है. तो एनरोल कर लीजिए. एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा. तो इन सभी जगहों से आप इस लिंक पे क्लिक करके Unacademy इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से NTA UGC NET पेपर फर्स्ट के लिए 13th ऑफ दिसंबर 4 PM स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करा जा रहा है. आप उसको जरूर एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक एनालिसिस कीजिए कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो. और चलते हैं, बात करते हैं अपने वीडियो की. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट वन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है और आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर भी कर दिया होगा और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा. इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर DSSSP PGT फीमेल इंग्लिश सेक्शन में 2021 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं. ऑप्शन है विलियम फॉकनर, ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन बी टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी सिंक्लेयर लेवाइस. तो ये कौन सा, तो ये करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन, द बार्ड ऑफ द अमेरिकन पोएट उनको बोलते हैं, द बार्ड ऑफ अमेरिकन बोलते हैं इनको, वॉल्ट विटमैन को. और इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर नहीं मिला है ही फॉर हिज एनी वर्क. बाकी विलियम फॉकनर, टोनी मॉरिसन एंड सिंक्लेयर लेवाइस को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश. न्यू लिटरेचर का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है, आपको इसका आंसर देना है. न्यू लिटरेचर में जो न्यू, एक इनोवेटिव तरीके से जो लिटरेचर लिखी जाती है मॉडर्न टाइम में या जो बिल्कुल रिसेंट टाइम में लिखी जाती है, उसमें कौन सा ये लिटरेचर का या पीरियड जो है वो उसका पार्ट नहीं है, ये आंसर करना है. तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, ऑप्शन बी कॉमनवेल्थ इंग्लिश लिटरेचर, ऑप्शन सी पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, या ऑप्शन डी है थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर. तो जो फर्स्ट, जो न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में नहीं इंक्लूड होता है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यू इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज कॉल्ड द ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर न्यू लिटरेचर का पार्ट नहीं है. बाकी कॉमनवेल्थ लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को हम इस न्यू लिटरेचर में पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आप सभी के लिए फ्रेंड्स, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑफ टेनेसीज विलियम्स प्ले. टेनेसीज विलियम्स प्ले के इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो नहीं उस पे करेक्ट बैठता है, उनके
प्लेस के रिकॉर्ड रिगार्डिंग ऑप्शन ए है द ग्लास मिनरग्रीज अमांडा विनफ्रीड, ऑप्शन बी कैट ऑन द हॉट टिन रूफ बिग डैडी, ऑप्शन सी द सीक्रेट कार नेम डिजायर ब्लैंच ड्यूबॉयस एंड द नाइट ऑफ द इगुआना जिम ओ कॉर्नर कॉर्नर। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके का क्वेश्चन है। सो टेनेसी विलियम्स जो थे वो थे कि वो अमेरिकन प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, और उनको वन ऑफ द ग्रेट थ्री प्ले राइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ अमेरिकन लिटरेचर या अमेरिकन ड्रामा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अबाउट अनीता देसाई नॉवेल अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ईयर दे वर पब्लिश्ड। ओके यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है कि अनीता देसाई की जो वर्क्स हैं, जो नॉवेल्स उन्होंने लिखे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो है जो कि करेक्टली अरेंज किया गया है, मतलब सीक्वेंस में है इनके पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर देना है ऑप्शन ए फायर माउंटेन, फायर ऑन द माउंटेन, जर्नी ऑफ इताका, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड इन कस्टडी, ऑप्शन बी है फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, जर्नी ऑफ इथाका, ऑप्शन सी है क्लियर लाइट ऑफ द ऑफ डे, फायर ऑफ द माउंटेन एंड इन कस्टडी, जर्नी ऑफ टू इथाका। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको करेक्टली जो है सीक्वेंस में लगाना है। और आंसर की अगर हम बात करते हैं इनके, तो जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, मीन्स फायर ऑन माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे, इन कस्टडी, जर्नी टू इथाका, दीज आर दी सीक्वेंस वाइज अरेंज्ड एंड द ईयर दे पब्लिश्ड ऑफ द प्ले ऑफ द नॉवेल अनीता देसाई। ओके ये है 1977 का, ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर डे लाइट 1980, इन कस्टडी जो है 1984 का है, और है जर्नी टू इथाका दैट वाज 1995। तो ये जो है सीक्वेंस में अरेंज्ड है जो कि नॉवेल्स हैं अनीता देसाई के। फायर ऑन द माउंटेन 1977 में पब्लिश हुआ है, क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, एंड इन कस्टडी 1984, एंड जर्नी टू इथाका 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परलॉइन लीटर इज, आपको बताना है परलॉइन लीटर क्या है। क्वेश्चन DSSP PGT के पेपर में पूछा गया है लास्ट ईयर। ऑप्शन ए डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो, ऑप्शन बी फेमस नॉवल बाय हेनरी मेलविले, ऑप्शन सी है नैरेटिव पोएम बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन डी है प्रोज पीस ऑफ रैल्फ वाल्डो एमर्सन। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, द डिटेक्टिव स्टोरी शॉर्ट स्टोरी बाय एडगर एलन पो। एडगर एलन पो बहुत ज्यादा फेमस थे अपने डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए। तो परलॉइन लेटर इज वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड दैट इज बेस्ड ऑन द डिटेक्टिव शॉर्ट मैटर by Edgar Allan Poe. Next question है हमारा, which of the following poems by Robert Frost became an inspirational poem for former Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru? Easy question, most repeated question है आपका, ये हमारा exam में पूछे जाते हैं ऐसे questions। तो ये question का answer जो है बहुत easy है, आप सभी मुझे जल्दी से दे दीजिएगा। ऑप्शन ए मैं मेंशन कर दे रही हूँ आफ्टर एप्पल पिकिंग, ऑप्शन बी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ऑप्शन सी मेंडिंग वॉल, ऑप्शन डी रोड नॉट टेकन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बिना डिले किए हुए इस क्वेश्चन को करेक्टली हम टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ओरिजिनल राइटर इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। देखिए आप क्वेश्चन जो है आपके ऑस्ट्रेलियन, इंडियन और अमेरिकन लिटरेचर के से रिलेटेड ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपके सिलेबस में मेंशनड है उससे जरूर क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से है, ऑप्शन ए रहा वर्जिया लैंगटॉन, ऑप्शन बी डेविड उनेपियन, ऑप्शन सी शैली मॉर्गन, ऑप्शन डी नियॉल पियर्सन। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी है, उनेपियन वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ द ऑथर ऑफ द फेमस बुकर प्राइज विनर नॉवेल द लाइफ ऑफ पाई। आपको बताना है इनके जो ऑथर हैं, जो इन्होंने ये फेमस नोबेल प्राइज विनिंग बुक लिखी है,
इसके राइटर की नेशनैलिटी को बताना है आपको, और करेक्ट जो आंसर है ऑप्शंस में दे देती हूँ. ऑप्शन ए कनेडियन लिटरेचर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन सी इंडियन या ऑप्शन डी ब्रिटिश. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए कैनेडियन लिटरेचर से भी एक क्वेश्चन आ गया आपका. द लाइफ ऑफ पाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जो राइटर का भी नेम मैं आपको बता दे रही हूँ जिन्होंने ये फेमस नॉवल लिखा है, दैट इज यन मार्टिन. ठीक है, यन मार्टिन, YANNMARTEL. दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड ही वॉज द नॉवलिस्ट कैनेडियन ऑथर जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई लिखी है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मार्गरेट एटवुड्स द हैंडमेड स्टील. हैंडमेड स्टील जो वर्क है मार्गरेट एटवुड का, उसके रिगार्डिंग कौन सा इन ऑप्शन में से ये ट्रू नहीं है. ऑप्शन ए इट इज एन यूटोपियन नॉवेल, ऑप्शन बी द टेस्टामेंट इज इट्स सीक्वल नॉवेल, ऑप्शन सी इट इज सेट इन एन इमेजिनरी स्टेट नोन एज गिलेड, ऑप्शन डी इट इज अ डायस्टोपियन नॉवेल. तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है, दिस इज अ यूटोपियन नॉवेल दैट वॉज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द मार्गरेट एटवुड्स हैंडमेड टेल. और बाकी ये तीनों करेक्ट है क्योंकि ये डायस्टोपियन नॉवल है, ये यूटोपियन नॉवल नहीं है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है हमारा कि ये ट्रू नहीं है द हैंडमेड्स टेल के नॉवल के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एड सैगर्स फ्यूनरल इज अ पोयम बाय. नेक्स्ट क्वेश्चन का हमने बात करी, एड सैगर्स फ्यूनरल की बात हो रही है यहाँ पे. आपको आंसर इसका बताना है, इनके ऑथर का नेम इस पोयम के जो कॉम्पोजिशन है या पोएट है उनका नेम आपको बताना है. एंड करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शंस में से, क्रिस वैलेट, वेन हॉर्डवुड, लेस मोरे, ऑप्शन डी ब्रूच डवी. तो करेक्ट जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन डी है हमारा, ब्रूच डवी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द ऑस्ट्रेलियन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ये पोएट थे. हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जॉनर ऑफ लिटरेचर डज द गेटिंग ऑफ विजडम बाय हेनरी हैंडेल रिचर्डसन फॉल. ऑप्शन ए चिल्ड्रंस लिटरेचर, ऑप्शन बी ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन सी डिटेक्टिव फिक्शन या ऑप्शन डी है गोथिक फिक्शन. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिस इज अ चिल्ड्रन लिटरेचर द गेटिंग ऑफ विजडम बाय हेनरी हैंडेल रिचर्डसन फॉल. ये इसी जॉनर से आता है, ये सब कैटेगरी है जो इस लिटरेचर की है, दैट इज चिल्ड्रंस लिटरेचर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लाइफ पर्सन इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ जॉन यूलरिक वॉस इन पैट्रिक हाउस नॉवेल वॉस. ऑप्शन ए है लुडविंग लिचर्ड, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन सी मार्को पोलो या ऑप्शन डी है फर्डिनेंड मैगलम. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, लुडविग लिचर्ड वॉज द जर्मन एक्सप्लोरर. तो इन पे बेस्ड ऑन थी इस लाइफ पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर के जॉन यूलरिक वॉस को कैरेक्टराइज किया गया है पैट्रिक व्हाइट ने अपने नॉवल वॉस में. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, Name a South African novel laureate whose most of the works document South African apartheid. तो ये South African literature से related question है हमारा. Option A है, तो option B यहाँ पे correct answer है. Nandin Goldemer is the correct answer. He was the South African novel laureate जिनको documents जिनकी जो most of the work जो लिखे हैं उन्होंने वो South African apartheid से related थे. Next question की बात करें, who is the protagonist of Michael ओडेंजी इंग्लिश पेशेंट्स. माइकल ओडेंजी इंग्लिश पेशेंट्स में कौन सा प्रोटागोनिस्ट है, आंसर देना है. ऑप्शन ए किप, ऑप्शन बी हाना, ऑप्शन सी एलमैसी, ऑप्शन डी कैथरीन क्लिफ्टन. ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट आंसर है, एलमैसी इज द करेक्ट आंसर. हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द माइकल ओडेंजी इंग्लिश पेशेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवेल बाय सिद्धुआ सर्व्ड एज द बेसिस फॉर दीपा मेहताज मूवी अर्थ. ऑप्शन ए आइस कैंडी मैन, ऑप्शन बी वॉटर अ नॉवल, ऑप्शन सी सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर राइटिंग ऑन लाहौर, ऑप्शन सी है डी है द ब्राइड. तो करेक्ट जो आंसर है वो है आइस कैंडी मैन वॉज द वर्क जो कि नॉवल है सिंधुआ का, एंड ये सर्व करता है बेसिस दीपा मेहता की मूवी जो थी अर्थ, उससे रिलेटेड ये उसी से बेस्ड ऑन है, उसी से इंस्पायर होकर के ये मूवी दीपा मेहता ने बनाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन हमारा ग्रामर से रिलेटेड है. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
ऑप्शंस पे से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे फिल करना है इस ब्लैंक पार्ट में. द सन ऑप्शन डॉट डॉट इन द वेस्ट डायरेक्शन सेट का आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है. यहाँ पे कौन सा वर्ब का करेक्ट फॉर्म होगा, तो ऑप्शन ए है सेटल, ऑप्शन बी टू है सेट, ऑप्शन थ्री है सेटेड, ऑप्शन फोर है सेट्स. तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा, मीन सेट्स. द सन सेट्स इन द वेस्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इंडिकेट करता है, जिसे इसमें बता रही हूँ मैं, इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैजंट हैपेंड एट एंड विल हैपन. मतलब वो कौन सी ऐसी, ऐसा आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा टेंस है जो कि बताता है कि घटना अभी हुई नहीं है, मीन्स कोई काम अभी हुआ नहीं है, बट वो फ्यूचर में होगा. तो आपको बताना है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, या फ्यूचर टेंस. ऑब्वियसली जहाँ पे किसी चीज की होने की बात होती है किसी टेंस में, तो वो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फ्यूचर टेंस से वो रिलेट करता है उसे. देन दिस इज द करेक्ट आंसर. फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एंड, यहाँ पे होगा फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैजंट हैपेंड एंड एट एंड विल हैपन इन फ्यूचर. ओके, आई डिड प्ले बास्केटबॉल इन एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टेंस का एग्जाम्पल है आई डिड प्ले बास्केटबॉल. ऑप्शन ए फ्यूचर टेंस, ऑप्शन सी सिंपल पास्ट टेंस, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट टेंस, या ऑप्शन डी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जहां पे डिड की बात होती है वो हमारा यहाँ पे आई डू प्ले बास्केटबॉल का ये डी है, मैं खेला करता हूँ या खेला करता था बास्केटबॉल. तो ये आपका डू का सेकेंड फॉर्म आ रहा है डिड, ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का सेकेंड फॉर्म है डिड. ठीक है, तो इसी वजह से ये हमारा जो टेंस होगा वो हमारा होगा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, विच क्लॉज इज देयर इन दिस सेंटेंस. आपको क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड DSSP के पेपर में पूछे जाते हैं, बट उसमें क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको यहाँ पे यही बताना है, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज. कोऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, नाउन क्लॉज, या रिलेटिव क्लॉज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नाउन क्लॉज. ओके, नाउन क्लॉज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वी हैव हियर, डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई द. डिटरमाइनर्स जो वर्ड्स होते हैं वो किसको मॉडिफाई करने के लिए जाने जाते हैं, नाउन को, एडजेक्टिव को, या वर्ब या एडवर्ब्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट आर नोन टू मॉडिफाई द नाउन. ओके, here is the next question. Present progressive tense is also called, present progressive means होता है जो progress में चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो progress में है काम, उस tense को हम किस और नाम से जानते हैं या किस और नाम से बुला सकते हैं. Option A है present indefinite, option B present perfect, option C present continuous, या option D है past perfect. तो correct answer option C हमारा होगा. Present continuous is the tense which is also known as by the name of present progressive tense. ओके, तो यहाँ पे present continuous होगा, present continuous. ओके, एंड हियर फ्रेंड्स वी हैड डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन ऑफ DSSP इंग्लिश PGT. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, ये मेरा न्यू चैनल है इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. इसके साथ साथ जो वीडियोज अपलोडेड है इस चैनल पे, आप उनको जरूर एक बारी वॉच आउट कर लीजिए. और इसके साथ ही साथ डू एंड गो फॉर दी एनरोल करिए अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आपका 13th ऑफ मार्च 4 PM ऑनवर्ड्स पेपर 1 के लिए होगा. लिंक डिस्क्रिप्शन और यहाँ भी आपको मेंशन है इस सेक्शन में, आप इसको जरूर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए अभी, और अपने प्रिपरेशन को एनालाइज करिए थ्रू द टॉप एडवोकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी. आपके जो पेपर्स होते हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, वो क्यूरेटेड हैं बाय देम. देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.